अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हुए थे कहाँ, ये मेरी फ्रेंड है, इंट्रो देना भूल गई, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और कहाँ आए हुए थे हम इकरार? आर्ट काउंसिल आए हुए थे। यहाँ पे एक बेसिकली फैशन शो था और एक बुक की एग्जीबिशन थी। मतलब आज तो इसमें जिन्होंने ये बुक लिखी थी तो उन्होंने एग्जीबिशन छोटी सी रखी थी, इसमें काफी सारे लोग थे, खाना एग्जीबिशन थी, उसमें खाना वगैरह भी था। खाना वगैरह और... तो हम लोग यहाँ पर आए थे, हम लोग कुछ टाइम इधर रहे, उसके बाद हम फैशन शो में गए। तो राइट नाउ अभी हम लोग बस बैठे हैं। फैशन शो का ये है कि हम क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गए, नहीं तो हम वीडियो में ज़रूर डालते। और हमने बोला चलो हम आए हैं तो अपनी बातें कर लेते हैं और वैसे ही आप लोगों से बातें कर लेते हैं। तो हम लोग अभी आए हैं आर्ट्स काउंसिल, तो मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये देखें कि हम यहाँ आए हैं, ये है आर्ट्स काउंसिल का कैफेटेरिया, आई थिंक। हाँ ऊपर भी है, ऊपर मेरे ख्याल से कुछ म्यूज़िक के म्यूज़िक का बैंड आया हुआ है, जो कि म्यूज़िक वगैरह जो है कैफेटेरिया। यहाँ भी कोई नहीं है, सारे जो लोग हैं उस साइड जा चुके हैं, तो हमने बोला अच्छी बात है, हम लोग आराम से अपना क्लिप रिकॉर्ड कर लेंगे। तो मेरी जो दोस्त है ये नमूनी को, इसको लग गई है भूख, और हमने यहाँ पे चाट बहुत मज़े के मिलती है। एक बार तुमने चाट क्यों नहीं खाई? तो एकदम जी हानी जो है, इन्होंने मुझे स्पेशली कहा था कि मैं आपको चाट खिलाती हूँ। तो जब ये पूछने गई इन्होंने, पर ये कि चाट ख़त्म हो गई, मुझे दही बड़े नहीं खाने थे, मुझे चाट खानी थी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और अभी हम लोग कहीं जाएंगे, खाना खाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि हमने क्या खाया। क्या खाया? हम तो अब तो हिम्मत नहीं है, तो अब हम घर ही जाएंगे या घर अभी हम कुछ और राइट नाउ आधे घंटे से सिर्फ चाय पी रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, गर्म है। दही बड़े इसको पसंद नहीं थे, तो आए कि हम थोड़ी सी वॉक कर लेते, हम आपको वॉक करते करते भी दिखाते हैं। आ जाओ मोबाइल पकड़ लेना। तो हम जो हैं यहाँ जो हैं, पकड़ो इकराम। यूं करो, सीधा करो, एक तो इसको पकड़ना भी नहीं आता इसको। यार जाओ यार। हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, बल्कि ये तो इंट्रो है, मैं इंट्रो नहीं दे रही, मैं ये कह रही हूँ आपको कि हम लोग आर्ट्स काउंसिल गए हुए थे, जो आपने इससे पहले क्लिप देखा है। तो मैं थोड़ा करीब आ जाती हूँ। तो मैंने जो मोबाइल है ना अपनी फ्रेंड को पकड़ाया है, तो वो उसको पकड़ना नहीं आता है, वो थोड़ा कभी इधर करती कभी यूँ करती है। तो मैं ये कह रही थी कि हम लोग आर्ट्स काउंसिल गए हुए थे, तुम भी दिखाओ ना अपना मुखड़ा। ये मेरी फ्रेंड है, और चलो दोबारा पकड़ लो, और इस साइड से उधर नहीं दिखाना, इधर दिखाना। तो हमें भूख लग गई थी, लात मुझे ही दे दो, तुम्हें तो पकड़ना ही नहीं आता। तो आपको पता है कि हमें लग गई थी भूख, हम जब आर्ट काउंसिल से निकले हम घर गए, हमने घर जाने के बाद कपड़े चेंज किए, और कपड़े चेंज करने के बाद हमने बोला हमें लग रही है अब भूख, तो अब हम जो है बाहर चलते हैं खाना खाने। तो हमारे घर के थोड़ा सा दूर है हमारी तरफ, यहाँ पे मॉल्स वगैरह बने हुए, तो मैं नाम नहीं लूँगी, नहीं तो बस ये कि तो आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ खाना खाने आए हुए। अभी तो कोई नहीं है मेरे ख्याल से, अभी जो है इतना टाइम नहीं हुआ है, तो जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता रहेगा, आपको पता है कराची की लाइफ, कराची में तो लोग पूरी रात ही जागते हैं। तो हम लोग बस बैठे हुए थे, तो ये हमारा ये पानी और रायता आ चुका है, और ये है मेरी प्यारी मुन्नी, और हम लोग जो है लेडीज़ हमने बोला आज हम लेडीज़ की पार्टी करते हैं, और हम लोग चलते हैं बाहर खाना खाने। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है हम लोग ज़्यादातर बाहर का ही खाते हैं और खाते रहते हैं, तो हमने बोला कि क्यों ना जाए। एक ना कौन सा रेस्टोरेंट है यहाँ पे, काफ़ी सारे लाइन्स हैं ना, तो ये है यहाँ पे शानदार शनवारी। अब आपको पता है शनवारी इतने हो गए, शनवारी ही शनवारी हर जगह, न्यू शनवारी, पता नहीं कौन कौन सी शनवारी, क्लासिक शनवारी। हाँ मेरा गला भी ख़राब हो रहा है, तो अभी हमारा खाना आएगा, तो मैं आपको हाँ खाने का भी जो है ना आपको मैं खाना भी दिखाऊंगी। अच्छा मैं अब आपको ना बैक कैमरे से ना इसका व्यू दिखाती हूँ। तो जी ये देखिए इसका बैक व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए मैंने कितना डेकोरेट किया हुआ लाइटों से, ये देखिए
अभी तो हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए, मेरे ख्याल से 8 बजे, 8 या 9। अभी जैसे जैसे रात होती जाएगी यहाँ पे जो है रश होता जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन। अच्छा, हम इस रेस्टोरेंट पे आए हैं, शानदार शिनवारी बारबेक्यू एंड रेस्टोरेंट, ये देखें। अच्छा, इसके ये इनका फैमिली हॉल बना हुआ है, ये ऊपर बना हुआ है, इसमें मतलब एसी फैमिली हॉल बना हुआ है। अब हमने बोला कि हमारा दिल नहीं कर रहा था, तो हमने बोला हम बाहर बैठेंगे ऐसे तख्तों पर। तख्तों पे बैठे हुए हम लोग, ये देखें भाई, देखें तख्त पे बैठने का तो अपना ही मजा है। क्यों क्या, थोड़े रिव्यूज दो। तख्त पे बैठने से थोड़ा इंसान को बहुत सुकून मिलता है, लाइक वो आराम से यूं बैठ के खाना खाता है। अब एसी में तो हम लोग रहते ही हैं, एसी में ऑफिस, एसी में एसी आपको ऑफिस में मिलेगा, आपको घर में मिलेगा, हर जगह आपको इंडोर जगह मिलेगी। लेकिन आउटडोर में जो खाने का मजा है, क्योंकि आजकल लोग पसंद भी आउटडोर को करते हैं क्योंकि कैफेज इतने बन गए, जैसे कि बहुत सारे आउटडोर के बन गए हैं, चाय वगैरह इस टाइप की जगह, क्योंकि लोग ऐसी जगह पे जाना पसंद करते हैं। यस, बीच में मेरी खांसी की आवाज़ आ रही होगी, लेकिन ये कि माजरत, क्योंकि मेरा गला है ख़राब और यहाँ पे ठंडा पानी ये मेरे गले के लिए ठीक नहीं है, इसको ये थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर मैं पीती हूँ। बाकी आप बस ये देखें कि यहाँ पे कितनी रौनक है, इन्होंने कितनी लाइटिंग की। अच्छा, ये फैमिली एरिया है। अब जो है ना यहाँ पे मेरे ख्याल से वहाँ पे जो ऊपर ये फैमिली हॉल बना, मैंने देखा, मैंने जूम करके आपको दिखाया, अब यहाँ पे मेरे ख्याल से फैमिलीज वगैरह बैठी हैं, बट हमने बाहर बैठना प्रेफर किया। अब ये देखें सामने जो है ये बॉयज़ का है, यहाँ पे देखें कितना रश है, ये देखें सामने सारे आदमी वगैरह बैठे हैं, और ये के लोग हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, और ये आप देख सकते हैं लाइटिंग, और पीछे से बिल्ली मियाओ, यहाँ पे बिल्ली कहीं छुपी बैठी। तो अच्छा, रेस्टोरेंट का नाम आप देख लें, और अब हमारा खाना आने वाला है। और ये कि आप लोगों से मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये भी शेयर करूं, ये पानी जो कि अभी बहुत ठंडा है, वो फल्ला इसको पीऊँगी तो मैं खांस खांस के मर जाऊँगी। और ये देखें इन्होंने पीछे, ये देखें इन्होंने सीनरी वगैरह लगाई नहीं, देखिए कितना खूबसूरत लग रही है, इन्होंने बहुत प्यारे डेकोरेट किया है ना। और ये देखें इन्होंने ग्रीनरी भी की है, और जो हमारे सामने जो है ना ये मॉल्स हैं, ये देखें जो लोग कराची में रहते हैं और जो लोग यहाँ रहते हैं उनको जो है पता होगा इन मॉल्स वगैरह का। अच्छा, ये देखें यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बनी हुई, इन अपार्टमेंट्स का नाम मुझे याद नहीं है, बट इनके पास ये शहनाई हॉल है, ये देखें सारी लोकेशन मैंने आपको गाइड कर दी। अगर आप लोगों ने यहाँ आना हो तो बहुत इजी रास्ता है, मेरे ख्याल से जो कराची में रहते हैं उनको तो पता ही होगा। और ये हम कुछ पिक्स बना रहे थे, दिखा रहे हैं, बहुत प्यारी है। तो चले, अब हमारा खाना आता है तो फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये कि अब हम अपनी तस्वीरें वगैरह बना लें, फिर मैं दोबारा कैमरा ऑन करूँगी। तो हमने ना अफगानी बोटी ऑर्डर की थी, तो वो हमारे स्टार्टर है, मेरी फेवरेट तो है। हाँ, इकरा की फेवरेट, तो वो आ चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी यमी यमी है, और कुछ तो इकरा जल्दी जल्दी खा गई है। मैंने बोला ये रहने तो ये मैं खाऊंगी, क्योंकि मैंने बोला कि व्लॉग में भी शेयर करूँगी। आप देखेंगे किस किस को पसंद है, कमेंट में मुझे बताइएगा। तो हमारा खाना आ चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी मज़ेदार कढ़ाई आ चुकी है, यमी यमी, और ये अब सर्व हो रही है। मैंने बोला कि एक क्लिप भी शूट कर लूँ, बाकी एक ही है, और हमने अफगानी बोटी खा चुके हैं। बस आज हमारा दिल कर रहा था कि हम कढ़ाई खाएं, बारबेक्यू तो हम खाते ही रहते हैं जी। तो हम खाना खा चुके हैं, कि आपको खाना कैसा लगा? खाना बहुत अच्छा था। मैं ऐसे पूछ रही हूँ जैसे मेरा रेस्टोरेंट नहीं है, कैसा लगा? हम खा चुके हैं, बहुत बुरा हाल है। मैं आप लोगों को, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी, मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखा। देखिए, हमने खाने का पोस्टमार्टम कर चुके हैं और खाना खा चुके हैं, और ये है कि अल्लाह का शुक्र है खाना खा लिया। हमें बहुत भूख लग रही थी, जाहिर सी बात है जब इंसान को भूख लगती है तो जाहिर सी बात है इंसान कहता है मैं कुछ भी खा लूँ। मतलब ऐसा नहीं कि हम इंसानों को खाना शुरू हो जाए, मतलब ये है कि बंदा कहता है आप जल्दी जल्दी कुछ खा लो ना। और ये आप देखें व्यू कितना खूबसूरत है, मैं तो बस हम लोग यहाँ व्यू की ही नहीं बैठेंगे, हमें यहाँ अच्छा लगा। ये थोड़ा सा ऊपर भी बना हुआ है, तो अल्लाह का शुक्र है हमने खाना खा लिया है, और अब हम कावा पीने लगे हैं। कावा ये तो नहीं पीती, मगर मैं और मेरी स्वीट मदर जो है, हाँ, हम लोग कावा पियेंगे, और बल्कि हमारा कावा आ चुका है,
ने प्यार और स्वीट स्वीट प्यारी मेरी प्यारी अम्मी। मैं आप लोगों को अभी नहीं दिखाऊंगी, मैं आप लोगों से उनसे मिलवाऊंगी। और ये कि अब देखिए हमारा कावा आ चुका है, देखिए हमारा कावा आ चुका है माशाल्लाह, कितना कलरफुल कलर, देखिए हम कितना प्यारा लग रहा है। देखिए अच्छा आज के साथ हानी खान बोलती है कि बस कावा जैसा भी हो, कलर जो है ना कलरफुल हो, बिल्कुल कलरफुल रेड हो। तो आप देख रहे हैं कि हम कावा पी रहे हैं और साथ गुड़ भी खा रहे हैं। इकरा कावा नहीं पीती, इकरा सिर्फ गुड़ खाती है। कावा पी लो। नहीं नहीं मैंने नहीं पीना। ये वैसे ही स्मार्ट है, ये अभी कहते हैं कि मैं कावा पी के तो मैं फिर दिखूंगी ही नहीं है ना इकरा। हाँ मैं चाय पीती हूँ मेरी प्यारी मम्मी। ये चाय पीती है और ये आप देख लेंगे गुड़ कितना प्यारा लग रहा है, मतलब प्यारा क्या वो थोड़ा सा ये भी प्यारा लग रहा है, मतलब यार अजीब भाई देखो मुझे ना ये हाँ गुड़ का जो कलर होता है ना वो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, मतलब ब्राउन ब्राउन, और कुछ गुड़ तो ना गोल्डन कलर के। ये बेसिकली उरूज ना हर चीज को ना कपड़ों से कंपेयर करती है, जैसे कपड़ों का कलर। उरूज कौन? उरूज यार अपनी कजन से, कजन की बात। ये अपनी कजन की, किसको कजन बहुत पसंद है इसकी, उसका नाम उरूज है तो मुझे उरूज बोलती रहती है। हाँ मेरा नाम उसके साथ मैं बेसिकली कभी कभी होती हूँ ना उसके साथ, तो एनी टाइम होती हूँ, मेरा नाम भूल जाती है ये। तो उसका नाम तो मेरी मतलब टंग पे रहता है हमेशा। देखें गुड़ का जो मुझे कलर है ना क्या वो बहुत पसंद है। कुछ गुड़ जो है इतना गोल्डन कलर के भी होते हैं। चलो मतलब हमने हाथ से देख लिया और हमारी मस्तियाँ आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। देखे मैं झूला चेस करते हैं मम्मा, चलो कभी तोड़ देते हैं। तो जी हम घर आ गए हैं और मैं वीडियो तो एंड करना भूल ही गई थी एक्साइटमेंट में, तो कपड़े चेंज करके बैठी हुई थी और पान खा रही थी। तो मैंने बोला कि अब तो अभी मुझे याद आया तो मैंने बोला चलो एंड तो किया ही नहीं था। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।